फैमिली कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से और अल्लाह पाक की रहमत से मैं भी अच्छी हूँ। तो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और मेरे यूट्यूब परिवार, क्या हाल चाल? हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और 32 बार को दिल से अपनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आप लोगों को मैं कुछ अच्छी अच्छी टिप्स, अच्छी अच्छी बातें शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो आज मैंने सुबह से क्या किया, सबसे पहले उसका क्विक रिव्यू दे देती हूँ। आज सुबह उठकर मैंने क्या क्या किया, क्या खाया क्या नहीं खाया वो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे फिर बात करती हूँ। ठीक है, आज से ज़्यादा मज़ा आएगा। कल मैथ से तो तेरा फेवरेट सब्जेक्ट है? उधर नहीं, वो ऊपर है क्या? चलो अल्लाह हाफिज़ बेटा, अच्छे से मन लगा के लिखना। अमन नहीं है, ट्यूशन चला गया और अभी अकेली जा रही है आज। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम करम से मैं भी अच्छी हूँ। तो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और मेरे यूट्यूब परिवार, क्या हाल चाल? हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, 32 बार को दिल से अपनाएं। तो गाइस सुबह हो गई है, जैसे कि मैंने आपको सुबह सुबह शेयर किया है कि तमन्ना को मैं स्कूल में एग्ज़ाम देने के लिए भेज रही थी। नीचे उसके पापा खड़े थे बाइक लेकर और तमन्ना को सिर्फ नीचे उतरना था बिल्डिंग के, और अमन आज नहीं था इसलिए उसको अकेले नीचे से बिल्डिंग से नीचे भेजा मैंने। और ये डायरेक्ट मैं अभी लंच टाइम का वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ करेला, बिल्कुल हरे हरे और फ्रेश करेले थे, तो मुझे ना करेले की सब्ज़ी बहुत पसंद है खाने में, तो जल्दी से करेला बना लूँगी। और आज बनने वाला है चिकन, चिकन थोड़ी अलग तरीके से बनाऊँगी, तो कोशिश करूँगी चिकन की रेसिपी जो है ना आप लोगों से शेयर करने की, देखते हैं कितना हो सकता है। तो बस थोड़ा थोड़ा मैं आपसे शेयर करूँगी क्योंकि कैमरा मेरे हाथों में है। तो तेल गरम कर लिया, तेल आप देख सकते हैं चिकन बन रहे, फिर भी मैंने एक ही चम्मच मैंने तेल डाला है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि तेल ही हमारे मोटापे का मेन वजह है। तो आप भर भर के तेल डालेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा चिकन ज़्यादा बनने वाला है, फिर भी मैंने तेल की क्वांटिटी बहुत ही कम कर ली। ठीक है, अभी इसमें मैंने 2 ऑनियन कट करके डाल दिया और 4 मिर्ची को मैंने तोड़ कर डाल दिया इस तरीके से। ठीक है, अब इसको ना मैं अच्छे से तरीके से फ्राई करूँगी, भूनूंगी, लेकिन ना इसको ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा पिंक रहे। वैसे तो चिकन बहुत तरीके से पका सकते हैं, लेकिन आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखना, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से इसको मैं चला कर ना, जलना नहीं क्योंकि तेल कम है ना तो ये जल सकते हैं, तो उसको चलाते रहना है और चलाते चलाते इसको पिंक कर देना है। और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, वैसे मुझे ज़्यादा इसको मतलब कलर चेंज नहीं करवाना है, तो इस टाइप पर ना मैं दे दूँगी थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट जो आप है ना, आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में डालिएगा, तो मैं ना 1.5 चम्मच डाल रही हूँ भर के। और ये मेरे पास पीसी हुई जो है ना अदरक लहसुन है, अगर आपके पास फ्रेश है ना तो और भी अच्छा होगा, अगर आप पीस कर डालेंगे ना तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा आएगा। तो ऑनियन के ऊपर ना अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद जब आप सालन बनाते हैं ना तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी लगता है सच में। मैं कभी कभी इस तरीके से बनाती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बस इसको ना थोड़ा सा जो कच्चापन है ना अदरक का, वो मैं अदरक लहसुन का थोड़ा सा अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए, उसके बाद मैं डालूँगी जो मेरा रामबाण जो है हथियार, रेड चिली और कश्मीरी लाल मिर्च है। और यही जो मिर्च मैं डालती हूँ ना तेल में सीधा, तो यही मेरे सालन के ऊपर जो रेड कलर का लेयर आता है ना, वो इसी से आता है। सब लोग बोलते हैं ना, दी आप सालन कैसे बनाते हो बताना, देखिए कलर देखिए माशाल्लाह जी, इसका कलर देख के ही इंसान ऐसे ही मतलब आँखों से खा जाए इसको, है ना। अब मैं डालूँगी इसमें 2 आलू कट कर, ज़्यादा आलू नहीं चाहिए मुझे, आधा पौना किलो मैंने चिकन डाला है और 3 आलू मैंने कट करके डाला है इसमें। ठीक है, क्योंकि ना मेरे घर पे ना चिकन के साथ आलू खाने की सबकी आदत है। अब इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए, हल्दी मिर्ची ज़ीरा धनिया और थोड़ा सा बिरयानी चिकन मसाला था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया। अब सारे मसालों को अच्छे से मुझे भून लेना है। 3 मिनट अच्छे से भूनने के बाद डालूंगी टमाटर, टमाटर को अच्छे से भून लूँगी, भूनने के बाद मैं इसको 3 सीटी लगाकर बंद कर देंगे, हो जाएगा हमारा रेसिपी। और टमाटर आजकल कितने महंगे हो गए ना, तो सोच समझ के डालना पड़ेगा। तो गाइस हो गया हमारा सालन बन के रेडी, अब बच्चों को हस्बैंड को सबको खाना दे दिया मैंने। देखिए तमन्ना खाना खा रही है और आपकी जीजू का बर्तन प्लेट पड़ा है अभी भी, उन्होंने भी खाना खा लिया है। बस अभी अमन आ जाएगा कॉलेज से तो हम माँ बेटे भी खाना खा लेंगे।
तो गाइस चिकन का ये देखिए फाइनल लुक, कलर देखिए, कम तेल में मैंने कितना अच्छा रेसिपी बनाया है। और सब लोग पूछते ना दी आपका रेसिपी बहुत ही अच्छा बनता है, बढ़िया बनता है, आप क्या डालते हो, तो मैं कुछ भी बाहर का नहीं डालती हूँ, जो है घर के मसाले डालकर बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी इस तरीके से बनाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो बस कर लेती हूँ अपना लंच, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हेलो, तो लंच होने के बाद आराम से अभी मैं बैठी हुई हूँ बच्चों के साथ। तमन्ना को ट्यूशन भेजना है, वो ट्यूशन जाएगी, और अमन कॉलेज से आ चुका है, मैं दिखाती हूँ। ये रहा अमन, कैसा रहा बेटा कॉलेज का दिन? अच्छा था, मज़ा आया। आज प्रैक्टिकल था? हाँ, आज फिजिक्स प्रैक्टिकल था। फिजिक्स प्रैक्टिकल, ओके। तेरा एग्जाम का टाइम टेबल नहीं आया ना अभी तक? नहीं, एग्जाम नहीं डायरेक्ट, अभी फाइनल फाइनल है, ओके। और तमन्ना का सेकेंड पेपर भी हो चुका है, आज का हिंदी पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा, बहुत ईजी था। और पता है कल मैथ्स है? कल मैथ्स है, मैथ्स तमन्ना का फेवरेट है, और अमन का भी फेवरेट हुआ करता था, अब नहीं है अब उसका फेवरेट नहीं है। तो गाइस बस बच्चों को साथ पे लेके थोड़ी देर बैठी थी, थोड़ी देर उनसे मैं बातें कर रही थी। अब जा रही हूँ मैं खुद का जो एडिटिंग का काम है और कुछ जो काम है वो सब करूँगी। और करने के बाद मैंने तो लंच करने के बाद ना मुझे ग्रीन टी या अप्रेश पीने की आदत है, तो वो भी नहीं पिया था, अभी जस्ट मैं पीऊँगी बनाकर। बाबू बनाकर दोगे आप मुझे? आप बना कर लाओ, मैं तब तक फ़ोन एडिटिंग करती हूँ, ठीक है? तो अभी हाँ वीडियो एडिटिंग में जाती हूँ। तो अभी मैं बैठकर तारक मेहता ही देख रही थी, आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए तारक मेहता देख रही थी। तो तारक मेहता देखकर हो गया है, बैल्कनी में आ गई हूँ, मशीन घुमा दिया मैंने और मेरा मशीन घूम रहा है, आप देख सकते हो, ये देखिए लाइट चल रहा है। क्योंकि ना आज दो बार मुझे मशीन घुमाना पड़ा, क्योंकि आपके जो जो वॉस आए थे ना, तो उनके बहुत सारे कपड़े लेकर आए थे और घर पे चादर वादर बहुत सारा निकला था, तो आज दो बार कपड़े घूम रहे हैं और मैंने कपड़े सुखाने डाल दिए हैं एक बार। और ये देखिए दिन है, अभी मगरिब की अजान अभी नहीं हुई है, तो चलिए फटाफट से पहले इवनिंग ड्रिंक पी लूँ। और ये शाम का टाइम, मैंने जैसे आपको कल की वीडियो में बताई थी ना कि मैंने वीडियो डालना रहता है, कमेंट्स पढ़ने रहते हैं, बहुत सारा कुछ रहता है, तो वो सारा काम ख़त्म हो चुका है, 6:30 बज गए, मेरा काम ख़त्म। अभी मैं क्या करूँगी, खुद पे ध्यान दूँगी, क्या खाना है क्या करना है देखती हूँ। और आज का जो डिनर होगा 7:30 बजे होगा, और मैं बनाऊँगी थेपला, और जो चिकन की ग्रेवी है ना उसके साथ थेपला खा लूँगी एक, और खाकर ही यहाँ से निकलूँगी वॉक करने के लिए। रोज़ की तरह आज भी आपको वॉक की हुई वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है? तो चलिए पहले अफ्रेश पी लेते हैं, और तब तक ये मशीन भी मेरा घूम जाएगा, मैं जब वॉक करके आऊँगी तब तक रात को मुझे कपड़े सूखे मिल जाएंगे, और सूखे हुए कपड़ों को मैं डाल दूँगी रात को अगर जगह बना तो, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले ना मैं पी लूँगी अपना इवनिंग ड्रिंक जो मैं रोज़ पीती हूँ। बात करूँगी अपना डिनर भी एकदम टाइम पे करूँगी, 7 बजे से पहले कर लूँगी, उसके बाद मैं निकलूँगी अपना वॉक करने के लिए। तो जैसे मैंने बोला था ना, थेपला बनाया मैंने, थेपले के साथ मैं अपना जो चिकन का ग्रेवी है ना उसके साथ। चलिए सवारी निकली है वॉक के लिए, इवनिंग वॉक बहुत ज़रूरी है, अगर वेट लॉस करना है तो आपको इवनिंग वॉक ज़रूर करना है, एक्सरसाइज वर्कआउट जितना हो सके अपन डालना चाहिए, करते रहना चाहिए, हार नहीं माने, भले धीरे धीरे होगा लेकिन होगा, मैं आपको दावा देती हूँ, जैसे मेरा हो रहा है वैसे आपका होगा, बस भले मान होता है, मेरे साथ भी हो रहा है ना, कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट से, अपने स्किन के ग्लोज से, अपने हर चीज़ से, हर बात से। तो चलिए फटाफट जल्दी से बाहर चलती हूँ, आज अमन भी मेरे साथ है वॉक करने के लिए, तो बड़े मज़े आएंगे, गप्पे मारेंगे और अच्छे से ब्लॉग शूट करेंगे, ठीक है? चलिए चलते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड। फाइनली 1.25 घंटे का मेरा वर्कआउट हो चुका है और बारिश शुरू हो गई है, आप देख सकते हो इधर बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब रिमझिम बरसात स्टार्ट हो गया और मैं भीग जाऊँगी, तो इसलिए अभी घर जा रही हूँ और घर पे जाके थोड़ा सा वर्कआउट करूँगी और फिर आप सबसे शेयर करूँगी। तो चलिए घर चलते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं, और डिनर तो मेरा हो चुका था, अब और कुछ भी नहीं खाऊँगी और बारिश से बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा पानी बहुत अच्छा लग रहा है और पसीने बहुत आए हैं, 1.25 घंटा यानी कि 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, 1.25 घंटा नहीं, वैसे मैंने अभी टाइम देखा नहीं है। तो चलिए घर चलते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं, ओके? वॉक करते करते ना इतना ज़्यादा थक गए थे हम लोग कि थोड़ी देर रुके, उसके बाद पानी वानी पिए, फिर घर आने के बाद बहुत सारा मतलब एक्सरसाइज फिर से घर पे भी किया, बहुत मज़ा आया, और करने के बाद देखते हैं।
अच्छा स्मृति, आपने सवाल पूछा था कि दी 100 डे कंप्लीट होने के बाद क्या आप 32 बार को फॉलो करेंगे या फिर कुछ और नया सोचा है? तो डियर मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने ऐसा कुछ अभी सोचा नहीं है कि मैं 32 बार को छोड़ने होंगी या कुछ नया और लाने वाली हूँ, ये अभी मैंने सोचा नहीं है। अगर सोचूंगी ना तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ही शेयर करूँगी, ठीक है? तो टेंशन मत लीजिए, इंशाल्लाह ताला कुछ नया ही लेके आऊँगी, देखते हैं, है ना? मेरे पास अभी टाइम है तो तब तक के लिए कुछ अच्छा सोचती हूँ। लेकिन 32 बार एक ऐसी चीज़ है ना, ये मतलब कोई टेंशन के मतलब विदाउट टेंशन हम वेट लूज कर सकते हैं सब कुछ खा पी कर। सबसे बड़ी बात ये है, बाकी कोई भी डाइट में आप जाओगे ना तो जैसे केटो डाइट हो गया, OMG डाइट हो गया, ये सब में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, एक टाइम खाओ आधे टाइम खाओ, और इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी आप सिर्फ 8 घंटे खा सकते हो, 16 घंटे आपको भूखे रहना है। लेकिन 32 बार एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप खाओ, दिन भर खाओ, 32 बार चबा के खाओ, तो ये इतना अच्छा फॉर्मूला है ना, इसको छोड़कर फिर दूसरे इसमें से जंप करना मुझे नहीं लग रहा कि अच्छा होगा। फिर भी मैं सोचूंगी, जो मुझे लगा सही आप लोगों से शेयर करना चाहिए वो मैं आपसे शेयर करूंगी, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है? बस चलिए चलते हैं आज की पहली की ओर। जो मैंने पहली कल सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जन ने दिया है अभी तक, आंचल ने दिया है सही से। वेरी गुड यार, पता कैसे चलता है आंचल आपको मेरी पहेलियों का जवाब? तो कल का जो मैंने पहले पूछा था ना, वो था कि एक अंधेरे घर में अगर हम एक मोमबत्ती, एक लैंटर्न और एक दिया लेके बैठेंगे तो सबसे पहले हम क्या जलाएंगे? तो किसी ने बोला मोमबत्ती, किसने बोला? नजमा ने बोला मोमबत्ती, ठीक है? बाकी और किसी ने नहीं जवाब दिया, तो आंचल आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हम सबसे पहले माचिस जलाएंगे, उसके बाद ही तो मोमबत्ती जलाएंगे या कुछ भी जलाएंगे। तो वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और आपका सही जवाब था माचिस, और बहुत अच्छा लगा। तो अभी 1-2 दिन के लिए मैं भी अपनी पहेली का जो है सिलसिला थोड़ा रोकूंगी, क्योंकि कुछ वक्त देते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ लोग मतलब सिर्फ एक ही लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, सिर्फ आंचल आप इंटरेस्ट ले लो, बाकी किसी को शायद पसंद नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं कुछ दिन के लिए स्टॉप करती हूँ। देखती हूँ अगर कोई कमेंट करे तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी डियर, ठीक है? और आज थोड़ी बिजी हूँ, आज कुछ काम करना है और इसलिए मैं पहले आज नहीं बता रही हूँ, जल्दी से ब्लॉग एंड कर रही हूँ, ठीक है? तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर आप लोग बिल्कुल नहीं करते। देखो प्यार देते हो ना अपने दी को, अपने दी के प्यार को और बांटा भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, हमारे बारे में बातें किया कीजिए, ठीक है? तो बस आप सब अपने ख्याल रखिएगा, कल फिर और एक नई वीडियो के साथ आती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।